छत्तीसगढ़ में सरकार परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए सदैव काम कर रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक इसका एक बड़ा उदाहरण है। खास रिपोर्ट देखिए। पिट्ठू में किया आउट और ये कबड्डी की पकड़, ये हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल जिन्हें सहेजने और नई पीढ़ी को इनसे रूबरू कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। ओलंपिक की खास बात यह है कि इस खेल में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पार्टिसिपेट करता है, और तो और ये खेल महिला और पुरुष दोनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पांच साल से खेल रही हूँ मैं। कैसा अनुभव? बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुई से जब हम बन खेले हैं, जब फर्स्ट पोजीशन आई से हमारे बन के मतलब बहुत खुशी हुआ थे। ऐसे मैच हमेशा होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो कराई से हमारे मुख्यमंत्री है वो बहुत अच्छा है। गांव-गांव के जितने लोग हैं सब लाए, खेले के मौका मिला थे और यहाँ पे खाए वाए के सबके व्यवस्था काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। गिल्ली डंडा, लंगड़ी दौड़, पिट्ठू, संखली, कबड्डी, खो खो, रस्सा कशी, कंचा, गेड़ी दौड़, फुगड़ी, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, बिल्लस शामिल है। ओलंपिक प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित होती है। पहला वर्ग 18 साल तक की उम्र का होता है। दूसरा वर्ग 18 से 40 साल की उम्र का होता है। तीसरा वर्ग 40 साल और उससे ज्यादा उम्र का होता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को ग्लोबली पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां ऐसा कोई आयोजन किया गया हो। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक से जहां एक और खिलाड़ियों को मंच मिल रहा है, तो वहीं खेलों को प्रोत्साहन आज के दौर में अपने परंपरागत खेलों के लिए ओलंपिक आयोजन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवाचार किया है, जिसके लिए प्रदेश के खिलाड़ी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मैंने आज घोषणा की है कि जो क्लस्टर एरिया क्लस्टर लेवल में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे किए हैं, जो खेल चुके हैं उनको भी, और अभी जो फाइनल होने वाला है उन सभी को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त आने वाले खिलाड़ियों को राज्य शासन की ओर से उनके पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल को हर जगह सराहना मिल रही है, तो छत्तीसगढ़ के खेलों को एक नई पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।